अस्सलाम वालेकुम। कराची में फायरिंग से मोटरसाइकिल मैकेनिक कत्ल। नाश्ता लेने के लिए जाने वाले मुजम्मिल की लाश घर आने पर कोहराम। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं? खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं? तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 अल्ताफ नगर में नामालूम मुसल्ला मुल्जिमान ने फायरिंग करके मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त 22 साल मुजम्मिल वल्द मोहम्मद हुसैन के नाम से की गई। मकतूल नौजवान औरंगी टाउन अल्ताफ नगर का रिहायशी और मोटरसाइकिल मैकेनिक था और मकतूल की अल्ताफ नगर रोड पर ही मोटरसाइकिल मैकेनिक की शॉप थी। SHO मंगोपीर नदीम सिद्दीकी ने दावा किया है कि नौजवान से लूटमार की कोई वारदात नहीं हुई। फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। दूसरी जानिब अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद मकतूल नौजवान के पड़ोसी के मुताबिक मुजम्मिल नाश्ता लेने के लिए निकला था। रास्ते में डाकुओं ने नौजवान से लूटमार करने की कोशिश की। इस दौरान नौजवान ने मुजाहिमत की, जिस पर मुसल्ला मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी।